वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉगर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्ती होंगे, मजे में होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं, अप्रॉक्स हो गया होगा लगभग तो 1 मंथ, क्योंकि लास्ट ब्लॉग मैंने शूट किया था अपना बर्थडे था उस दिन अप्रॉक्स 12 नवंबर को। उसके बाद कोई भी ब्लॉग आप सभी को देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि वेडिंग का सीजन स्टार्ट हो गया था तो उसी में फंस चुके थे, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं तो सोचे कुछ आप सभी को अपडेट दे दें और बातचीत कर लें। चलते हैं उस रूम में और वहीं पे आप सभी से बातें करते हैं। तो एक्चुअली आप सभी को काफ़ी चीज़ें चेंजेस देखने को मिल रहा होगा, और आज का ये जो ब्लॉग है वह हम मोबाइल से शूट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो गया हुआ किसी शूट पे, वेडिंग का ही शूट है। तो आज अप्रोक्स हो सकता है तो रिटर्न आ जाएगा, आज नहीं तो शाम या फिर कल तक हमको मिल ही जाएगा। लेकिन बहुत सारा चीज़ प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ, और मतलब हर एक चीज़ नया नया एक्सपेरिमेंट देखने को मिल रहा था हर एक तरह से। देख रहे, टकला उकला हो चुके हैं, बाल भी आ चुका है, मतलब 1 महीना में बाल भी आ गया इतना ज़्यादा। तो सोचे कुछ आप सभी को बताते हैं पिछले जर्नी के बारे में। तो लगभग वेडिंग का काम अच्छा खासा चला, 9 नवंबर से तो अप्रॉक्स हिंदू का लगन स्टार्ट था, लेकिन उससे पहले जो मुस्लिम का लगन अप्रॉक्स 3-4 से ही स्टार्ट हो गया था नवंबर के, तो उसी में फंसे हुए थे। तो डिजाइनिंग का काम भी नहीं कर पा रहे थे, जो हो रहा था सो सिर्फ वेडिंग का ही काम हो रहा था, फोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे जा करके, मज़ा आ रहा था। और ऐसे तो हम नाइट वाला काम नहीं करते हैं, लास्ट अगर करना रहता है तो रिसेप्शन का करते हैं, नहीं तो फिर क्योंकि पूरा रात जगना हमसे नहीं हो पाता है तो हम उसे कैंसिल कर देते हैं। क्योंकि शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो किस तरह से आप लोग काम कर पाइएगा, मतलब कमा करके और डॉक्टर घर में दे देना वो भी अच्छी बात नहीं है, और उतना पैसा तो मिलता भी नहीं है खैर, लेकिन करने वाला क्या करेगा, कर ही रहा है, मजबूरी भी कोई चीज़ होता है। ऐसे मेरे को मजबूरी नहीं है, लेकिन और सभी का बात हम बता रहे हैं। तो फिलहाल हम तो अपना शौक़ के लिए करते हैं तो कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसी लाइन पे हम टिके हुए रहें, हो सकता है तो किसी भी टाइम हम इस लाइन को एग्जिट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। बस अभी जो कोई काम नहीं है तो सोचे कर लेते हैं, ताकि बैठने से अच्छा तो कुछ तो इनकम हो जाए ना, क्योंकि टाइम भी आ चुका है, कमाने का एज भी हो चुका है, तो घर में बैठना सही बात नहीं। और अगर आप लोग काम करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आपको नया नया चीज़ें सीखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, फोटोग्राफी हो या फिर कहीं पे छोटा मोटा भी काम अगर आप लोग कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आपको सीखने को मिलता है, और काफ़ी चीज़ें आप सभी को नया नया चीज़ सीखने को मिलता है, अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आप सभी को देखने को मिलता है। अलग अलग जगह जाते हैं तो घूमने का भी मौका मिल जाता है, वहाँ का लोग किस तरह से बातें करते हैं, वहाँ का लोकेशन, हर एक चीज़ मैटर करता है, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, मतलब लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक मेरा ओपिनियन है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और आई होप कि आप सभी को भी काफ़ी अच्छा लगता होगा। और एक दो बुरी खबर भी यह है कि मेरा तो बाल चला गया, तो रील सब कैसे बनेगा पता नहीं। उसके बाद मेरा जो कैमरा का माइक था वो भी दोनों का दोनों माइक ख़राब हो चुका है, तो अब मुझे फिर से लगाना पड़ेगा पैसा, मतलब फिर से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 3,000 रुपये का गच्चा लग गया। और एक्चुअली मैंने कुछ कुछ सामान ख़रीदा है नया नया, जो कि उसमें आप सभी को और भी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का वीडियो देखने को मिलेगा और ज़बरदस्त कंटेंट आप सभी को देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने ख़रीद लिया है रिंग लाइट और एक ट्राइपॉड भी आ रहा है, हो सकता है तो कल वो डिलीवर हो जाएगा। लगभग वो मुझे 4500 के आसपास पड़ रहा है, एक्चुअली वो ट्राइपॉड बॉल माउंट वाला है, जहाँ पे आप लोग 360 में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और पोर्ट्रेट आराम से हो जाएगा। जो मेरा पिछले वाला ट्राइपॉड था उसमें 360 तो नहीं होता था, और ना तो पोर्ट्रेट शूट होता था, ओनली लैंडस्केप में ही शूट होता था, तो उससे प्रॉब्लम थोड़ा सा हो जाता था। और हो सकता है तो बहुत जल्द आपका भाई आईफोन भी लेने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा देख लेते हैं, हिसाब वगैरह करेंगे तो कितना पैसा आ रहा है। ऑलरेडी मैंने 20,000 रुपये अपना लगा चुका है, अभी तक लगा नहीं है लेकिन लग जाएगा, क्योंकि मैंने पोर्टल लाइट कुछ दिन पहले ख़रीदा, फिर रिंग लाइट ख़रीदा और 2 हार्ड डिस्क खरीदे बैकअप के लिए, और साथ में और भी कुछ कुछ चीज़ें आ रहा है ऑनलाइन, आने वाला है, स्मार्ट वॉच लेना है,
एक को क्या बोलता है एयरबड लेना है, और भी कुछ कुछ है थोड़ा सा छोटा छोटा बड़ा बड़ा भी चीज़। तो मतलब अप्रॉक्स 20 हज़ार का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। उसके बाद फिर एक आईफोन आ जाता है जो कि 60 हज़ार रुपये उधर लगेगा, यानी कि 80 हज़ार का लोचा। अब हम कितना कमा पाएंगे वो बात अलग है, लेकिन 80 हज़ार रुपया तो मुझे लगाना ही पड़ेगा, और यही मंथ अप्रोक्स लग जाएगा। फिलहाल सोच रहे हैं कि यह जो आईफोन है उसको इंस्टॉलमेंट में ले लें, क्योंकि उतना एक बार में पेमेंट करना अच्छी बात नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो बहुत ही ज़्यादा आप सभी के सामने हम बक दिए, मेरा हाथ भी दर्द देने लगा है क्योंकि हम विदाउट ट्राईपोड यूज कर रहे हैं, और उसके कारण हो सकता है तो आप सभी को वीडियो में सेकिंग वगैरह लेक वगैरह देखने को मिला होगा, स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिला होगा। तो एनीवे ज़्यादा आप सभी को बोर नहीं करेंगे, कुछ अपडेट देना था आप सभी को तो दे दिए, और बहुत जल्द हम कम बैक करने वाले, हो सकता तो 11 तारीख से आप सभी को प्रॉपर वीडियो देखने को मिलेगा। हर एक चैनल के लिए सारा तैयारी हो चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। कोर्स तो पूरा कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे, लेकिन आप सभी को वन शॉट देखने को मिलेगा हर एक चैप्टर का, ठीक है। वो हो गया, उसके बाद ब्लॉगिंग तो चलेगा ही, और मोटिवेशनल में भी वीडियोस अपलोड होगा, साथ में फोटोग्राफी वाले चैनल में भी अपलोड होगा, रील्स भी आप सभी को देखने को मिलेगा, मज़ा आएगा। बस आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितना भी चैनल है सबको सब्सक्राइब करना। अभी तक अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, फेसबुक में फॉलो कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट इसी तरह के से अच्छे ब्लॉग के साथ, अभी के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।